अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है वीवर्स। आज हम बना रहे हैं दाल का पराठा। ये पराठा बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं आज बना रही थी तो मैंने कहा मैं आपको भी शेयर करूं दाल का पराठा। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम दाल को भिगा दिया था। मैंने 4-5 घंटे तक मैंने भिगाया था इसे। अब 2 घंटा भी भिगाएंगे तो इनफ है। एक कढ़ाई मैंने रख ली है गैस पर और उसमें 1 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूँगी। पर थोड़ा सा ही ऑयल हमें डालना है। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाल दिया तेल गर्म होने के बाद। अब इसमें दाल को मैं ऐड कर दूँगी। दाल का पानी हमने बिल्कुल निकाल लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक थोड़ा हसबे ज़रूरत, आप देख रहे हैं जितना है, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है। 5-6 मिर्चें बड़े साइज़ की हैं लेकिन ज़्यादा तीखी नहीं हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा छोटा पीस करके ऐड कर दूँगी। अब इसमें बिल्कुल पानी तो हम नहीं डालेंगे, नमक हसबे ज़रूरत डाल देंगे। अब पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि दाल थोड़ा, जो भी मॉइस्चर है दाल में उसी में थोड़ा स्टीम में पक जाएगी। थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब। अब इसको अच्छी तरह से चलाने के बाद, मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं कवर लगाऊंगी, अच्छे से ढक दूंगी ताकि भाप के अंदर, स्टीम के अंदर ये दाल सॉफ्ट हो जाए। अभी देखे 5 से 7 मिनट के बाद एकदम अच्छे से स्टीम भर गई थी इसमें। अब हम उलट पलट कर थोड़ा सा चलाएंगे इसे, देखेंगे बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। एक एक दाल बिल्कुल अलहदा है, फिर भी ये दाल इतने ज़्यादा मैंने भिगाई थी, सॉफ्ट पहले से हो चुकी थी तो ये गल चुकी है। इसमें अगर हम पानी डाल देंगे ज़रा भी गीली हो जाएगी तो ये मिक्सी जार में नहीं पिसाएगी। देखें दाल इस तरह दबा के चेक कर रहे हैं, दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो ठंडा करने के लिए मैंने इसको एक थाली में इस तरह फैला दिया है, देखे इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसको मैं फ़ैन के नीचे रख के जल्दी से ठंडा कर दूँगी। जब तक कि ठंडी हो रही है हम आटा गूंथ लेते हैं। तो मैंने आटा ले लिया है, उसमें मैं ऑयल ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून और नमक भी हसबे ज़रूरत ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून ऑयल और ऐड कर दिया है और थोड़ा सा अजवाइन लेंगे। अजवाइन को हम हथेली पर रख के क्रश कर देंगे तो अच्छी सी खुशबू आती है इससे और टेस्ट में भी दुबाला हो जाता है हमारा पराठा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हम गूंथ लेंगे, एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। पराठा बनाने के लिए हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। अभी आटा बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है, इसको ढक के एक साइड रख देंगे रेस्ट करने के लिए। इधर दाल मिक्सर में के पॉट में डाल के मैं इसको पीस लूँगी। इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं, पाउडर फॉर्म में ये तैयार हो जाएगी और फटाफट से पीस जाती है। एक बार मैंने पहले ही पीस लिया है। अब देखें सारे दाल पीस चुके हैं। इसमें डाल देंगे चाट मसाला और डाल देंगे हरा धनिया और अच्छे से सबको मिक्स करेंगे। नमक जितना मैंने डाला था उतना ही काफ़ी हो चुका है, एकदम परफेक्ट नमक था। और देखें बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अभी थोड़ा मुझे दाल का जो मैंने ये तैयार किया है ना, थोड़ा मुझे ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं 1/2 कप पानी ऐड करूँगी और उसको मिक्स कर दूँगी। एकदम सूखा रहता है तो पराठा जब बन जाता है उसको तोड़ते हैं तो पूरा दाल अंदर से गिरने लगती है। थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है क्योंकि जो हमारी हरी मिर्च थी वो ज़्यादा तीखी नहीं थी तो थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर। अब चलें पराठा बेलते हैं क्योंकि हमारा सारा सामान रेडी हो चुका है। तो एक लोई लेंगे, थोड़ा रोटी से हमें बड़ी लोई लेना है।
इस तरह खुश्की लगा के हम इसको चकली की तरह बना लेंगे, और हाफ रोटी जैसे बेलते हैं उस तरह से हम बेल लेंगे। अब देखें आधी रोटी के मुताबिक हमारी रोटी बेल कर तैयार है। अब इसमें बीच में मैं बेटर रखूंगी जो कि मैंने तैयार किया था दाल का। अभी ठंड के मौसम में ये पराठे वगैरह बनाओ तो बहुत अच्छे बनते हैं। मटर आलू मटर के भी बनते हैं, सिर्फ मटर हरी मटर से भी बनाए जाते हैं पराठे। मैं वो भी इंशाल्लाह आपको शेयर करूंगी। ये जिस तरह से मैंने बनाया है ये देखें आप, इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। थोड़ा पराठा बेलते वक्त तो थोड़ी सी मतलब एहतियात करनी ही पड़ती है, लेकिन इस तरह जिस तरह मैंने बनाया ना, हाफ रोटी की तरह बेल के फिर उसको अंदर भरा है, तो चारों तरफ पराठे में हर तरफ अच्छे से दाल आ गई है। यानी आप कहीं से भी तोड़ेंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ आटा मिलेगा, हर तरफ अच्छी तरह से फिलिंग आपको मिलेगी। अब एक तरीका मैं और बताती हूँ, ये उससे भी इजी मेथड है। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी न्यू न्यू, जिनकी शादी हुई या नहीं हुई या जो सीख रहे हैं, उनके लिए है कि इस तरह से बनाएंगे तो उनको और भी बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। एक तरफ हमारा पराठा सिक रहा है तो हम दूसरी तरफ पलट चुके हैं। ये देखें बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का। अब इस तरह से आप बेल दें, देखें बिल्कुल ये भी नहीं फटेगा कहीं से भी, और हर तरफ से एकदम अच्छे से बराबर बेल के तैयार हो जाएगा। इधर हमारा पराठा सेक चुका है तो हम ऑयल लगा देते हैं। ऑयल आपकी मर्ज़ी है, कम ऑयल यूज़ करना है तो कम लगाएं, ज़्यादा लगाएं तो ज़्यादा लगाएं। हालांकि पराठा वगैरह में ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तभी मतलब टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी बच्चे बड़े सभी बहुत एहतियात करते हैं इसलिए मैं थोड़ा कम कम ऑयल लगा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है इसमें। इस तरह से दबा दबा के हम अच्छे से सेक लेंगे लट पलट कर पराठा। देखा कितने अच्छे से हमारा पराठा सेक चुका है। अब दूसरा पराठा सेक लेते हैं, और इसी तरह हम सारे पराठे हमने सेक लिए हैं। और देखें अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है। ये मैंने बहुत इजी तरीका बताया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कभी नहीं बनाया होगा तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा बनाना। आप देख सकते हैं पराठा कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। अब तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको कि कितने अच्छे से हमारे अंदर, देखें हर तरफ अच्छे से हमारा दाल का जो मिक्सचर था सब अच्छे से फिलिंग बहुत अच्छे से हर तरफ खूब फैल गई है अंदर। इसी तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली और दोस्तों में, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।